सभी लोग, मैं आपकी रोज रूबी नेगी लेकर आई हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित के शो द फ्लेम्स सीजन 2 में पहुंचे बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर कुमार सानू और अभिजीत भट्टाचार्य, जहां दोनों ने ही मीडिया से काफी बातचीत की और इसी बातचीत के चलते अभिजीत ने बॉलीवुड के आजकल के सिंगर्स और एक्टर्स पर जम के टिप्पणी की। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे लिए ये 90s अभी भी है, और आप लोग सबको अच्छी तरह मालूम है कि 90s अभी भी चल रहा है। गाने अब 60s के रिमिक्स नहीं हो रहे, गाने जो 90s के गाने जो अब के लोग, अपने जो धुरंधर लोग आए जिनको म्यूजिक के बारे में इतनी गलत जानकारी है कि वो बना नहीं सकते, तो फाइनली वो लोग 90s के गाने ही ले रहे हैं। हाँ, ये बात। अब गाने में जैसे एक मेरा टन टनाटन गाना है और उसके बाद उसको फिर से बनाया गया, तो मेरे और सिंगर में उतना ही फर्क है जितना मैंने सलमान खान और वरुण धवन में फर्क है। आप समझ गए ना मेरा कहने का, सलमान खान और वरुण खान में, वरुण धवन में जितना फर्क है उतना ही मेरे गाए हुए गाने और दूसरे के गाए हुए गाने में उतना ही फर्क है। अब मेरे लिए ये 90s नहीं है। जतिन ललित में से चाहे हाँ, जो भी हो, ललित जब भी जतिन ललित का नाम आता ना तो उनका एक अलग एक दायरा होता है, वो 90s और 60s और उसके लिए उनके दायरे में 60s और 70s को वापस 90s में अगर किसी ने पेश किया है, बहुत से अच्छा मेलोडी एक आया था, आया है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। एक हाथ नहीं, चार चार हाथ है, प्लस दो मेरे हाथ है, छे छे हाथ हम लोग ने लगाए उसमें। दुर्गा जी के जैसे 10 हाथ होते थे, हम लोग के भी काफी हाथ है। तो 90s विल बी ऑलवेज द बेस्ट, एंड 90s सिर्फ 90s से शुरू, 90 पे खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर ये, अगर इसका, इन सब चीजों को अगर लोग सुनेंगे ना तो हम फिर से फाड़ डालेंगे। और ऑलरेडी फाड़ के बता दू कुछ कुछ है, मैं फाड़ के दिखा दूं बिल्कुल, मतलब ये है ऐसा। अभी देखिए, जो ऑडियंस नहीं कहूंगा, जो सुनने वाले जो लिसनर्स है बढ़ गए, एक लिसनर्स जो बहुत हताश होकर बैठा हुआ, यार जो दे रहे वही खाना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो दाल चावल है जो रोज खा सकते हैं। लेकिन आप अगर आप रोज पिज्जा और रोज वही खिलाओगे तो बहुत एलर्जी हो गया, बेसिकल एलर्जी हो गया। आपको मैं बताऊं, अभी का म्यूजिक इज ट्रिमेंडस, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही चीज को बार बार परोस कर गर्म करके दे रहे हैं, फ्रिज में नहीं बना रहे, फ्रिज में उन्होंने स्टफ कर दिया है। हर गाना सेम, हर गाने का प्रोग्रामिंग सेम, ट्रिमेंडस अरेंजिंग है, सब सेम है, लेकिन हर सिंगर एक ही सिंगर साउंड करता है, जैसे उसी ने सब गाने गाए। सो मुझे दुख नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है अंदर, दर्द लेके वो आर्थोपेडिक को भी दिखाता हूँ, बोलता पैर में नहीं आपके सीने में दर्द है, तो मेरे उस दर्द को कैसे मैं बयां करूं कि सुनना पड़ता है, तो जो परोस रहे वो खाना पड़ रहा है। और हम देखिए आपको एक्सक्लूसिव देंगे, जब भी देंगे ऐसा देंगे कि आप एक बार खाओगे तो बस उसी को बार बार सालों तक खाते रहोगे, सालों तक खाते रहोगे, नहीं खाओगे तो ना फिर देखना। ओरिजिनलिटी को ही लोग ला रहे हैं रिमिक्स में, क्योंकि अब वो लोग ओरिजिनल नहीं है, दे आर द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, भैया हमको ऐसा चाहिए, दे आर नॉट द क्रिएटर। हमने जब आपको अभी भी बता दो, जैसे पहले काम करते थे आज भी हम ऐसा ही काम करते, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर आगे फोन करता है कि दादा आ जाओ गाना एक डब करते, कोई ये नहीं बताता कि गाना रिकॉर्ड करना है, दादा एक गाना रेडी, आप आ जाइए, ट्रैक रेडी, आपके गा दीजिए। अरे नो सेटिंग, नो क्रिएटिविटी इस गाने में, बताओ हम लोगों ने बैठ के क्या क्या क्रिएट किया है। आपको मेरे और जतिन ललित के हर गाने में क्रिएटिव नजर आएगा, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने लोग बोलेंगे अभिजीत का गाना गलत है, बहुत वो सबसे बुरा वो लगता है, गाना जिसका है उसका है। अभिजीत के जितने गाने सुनेंगे जतिन ललित के, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ वी गो अबाउट रिहर्सल, उसमें हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं गाना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद अभिजीत हमेशा बोलता है इसके कुछ अलग बनाते हैं, और जब हम लोग बैठ के बनाते हैं या मैं बनाया है इस गाने में, वो जो आलाप है वो इन्होंने बनाया है,
क्योंकि मैं भूल गया लेकिन उसको याद। चलते चलते तुम्हारे इशारे का अवार्ड विनिंग गाना उसका वो जो तो मैं ऐसे गुनगुना रहा था इन अरे क्या गरा क्या गरा इसको फिर से कर तुम्हारे यार मैं याद करता हूँ भूल तो नहीं गया भूल तो नहीं गया ये एक साथ है ये हम लोग स्टाइल है और हमेशा कोशिश करते हैं कि गाने से बिल्कुल अलग हटके एक एक चीज जाना चाहिए फिर गाने में आया चाहिए तो उसमें मजा आता है मेरे को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाने की आदत है कोई भी बना के दे देगा म्यूजिक डायरेक्टर से कुछ नहीं सिंगर ने बनाया म्यूजिक कंपनी को दे दिया उसने कोरियोग्राफर को दे दिया उसने हीरो को दे दिया हीरो की वाइफ को पसंद आया उसकी बेटी को नहीं पसंद आया मतलब घूमता रहता इधर से वाया 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 फिर मालूम पड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है ही नहीं उसमें किसने गाना बनाया किसी को नहीं मालूम एक फिल्म में 8 म्यूजिक डायरेक्टर उसमें से एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे जिसमें 3 लोग हैं प्लस 5 और तो 8 म्यूजिक डायरेक्टर हो गए अब गाना देखिए वो अब क्या मैं भूलने रहा था बहुत अच्छी बात बोलने रहा था हाँ पहले सिर्फ सिंगर की आवाज नहीं पहचान पहले से आप समझ जाते थे किस म्यूजिक डायरेक्टर का गाना है आरडी का गाना बस आरडी बप्पीदा का बप्पीदा राजेश रोशन लक्ष्मीकांत पहलवान और ये कायम रहा एंड 90s 2000 तक जतिन ललित का गाना एक गिटार के कॉर्ड पैटर्न से समझ में आता है ये जतिन ललित का अगर उनका नहीं है तो इसका मतलब किसी ने उनका स्टाइल कॉपी किया ऐसा हो जाता था ठीक है जैसे जतिन ललित का गाना बस लोग बोलते थे यार बिल्कुल आरडी बर्मन का वो तो ये सब कॉम्प्लीमेंट लेकिन और किसी के लिए बता दे कि आरडी बर्मन की चीज को वापस ला रहा नहीं हो सकता सो फिर एक ओरिजिनलिटी हो जाती थी म्यूजिक डायरेक्टर की लेकिन अब म्यूजिक डायरेक्टर क्या करे क्योंकि उनके पास इतना सारा साउंड कार्ड है यही है सब लोग उसी से ले रहे हैं क्योंकि म्यूजिशियन नहीं बजा रहा है ऑथेंटिक म्यूजिशियन जो है वो लोग नहीं बजा रहे सब कुछ आप लैपटॉप से लेके आ रहे हैं वहां से लेके आ रहे तो वॉइस भी वहीं से आ रहा है पहले तो स्टूडियो होता था अभी सिंगर को बाथरूम सिंगर क्यों कहते हैं क्योंकि स्टूडियो बाथरूम से भी छोटा होता है तो सिंगर जब उसमें घुसता है केबिन में तो उसको याद आता है यार बाथरूम सिंगर करके कोई होता है तो वही होता है हम लोग इतने सौ सौ वायलिन पियानो ये वो आप कोशिश करें तो भी म्यूजिशियन नहीं मिलेंगे क्योंकि तो सबने बोला क्या करेंगे फ्यूचर क्या है फ्यूचर सब इसमें ही है माइक पकड़ के गा रहे हैं हमसे माइक पकड़ना आता है लेकिन मुंह बंद है मुंह हिलाते हैं ये मेरा बहुत तगड़ा संगीत में अंदाज था क्या बजाया आप बजा लो बेटा था मैं देखा अभी सही है देखो निकाल दे दिल को कब से मैं खड़ा हूँ राह में था मैं दिल को कब से मैं खड़ा हूँ राह में रिहर्सल नहीं कर रहा उनके साथ वो गर्व डर लगता है वर्ड्स अभी डर लगता टाइम हो गया टेक करके याद नहीं होंगे शायद मुझे तो याद है हाय फ्रेंड्स जतिन ललित में
मगर मैं किसी से सबसे ज्यादा घबराता हूँ तो इससे, नोटोरियस पर्सन, मोस्ट मेलोडियस, नोटोरियस मेरे लिए काफिया है। इसका जब भी मूड खराब होता है तो ये अपना हिसाब मेरे ऊपर निकालता है। ओके सर, सो आज की अगर गानों की बात की करें तो सर ने जैसे कि कहा कि यू नो इट्स नॉट लाइक कि गाने लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो चार्म पहले हुआ करता था आप लोगों के गाने में, वो चार्म कहीं ना कहीं खत्म हो गया, जहाँ पे गाने ज्यादा चलते नहीं है। क्या रीजन इसके पीछे? आप कौन से गाने की बात कर रहे हैं? ना चलने वाली कौन से गाने की बात? अभी अभी के ये जो लेटेस्ट सॉन्ग्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। ये लैक ऑफ मेलोडी, लैक ऑफ मेलोडी यार। सबसे बड़ी बात है कि गाना आज भी अच्छा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि गाना नहीं बन रहा है। गाना जैसा फुट टैपिंग सॉन्ग, जैसा नाचो और गाओ, ये गाना भी बन रहा है, और उसमें साथ साथ कुछ गाने ऐसे भी बन रहे हैं जो हिस्ट्री में रह जाएगा, ऐसा भी गाना बन रहा है। तो उनमें से ये एक गाना है जैसा, इस तरह के गाने बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहे वो लोग, हाँ ऐसा ऐसा नहीं कि गाना नहीं बन रहा है। और उस समय, इस समय का गाना देखिए, मेलोडी कभी नहीं मरेगी। वाह, आपको घूम फिर के मेलोडी में आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी क्या है कि लेस क्वांटिटी हो रहा है मेलोडी, बट मेलोडी इज देयर। अभी एक हमारा एक ट्रैक से निकल के अलग ट्रैक चला गया था सब लोगों का, जो हमारे जो जितने भी म्यूजिशियंस है, जितने भी सिंगर्स है, तो अभी फिर से वो पाथ में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। क्योंकि अभी आई एम सिंगिंग, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं जितना भी गाना अभी गा रहा हूँ रेगुलर, कम से कम 8 फिल्म में अभी मैं गाना गा दिया, और सारे बड़े फिल्म है, तो वो क्यों गवाएंगे हमको? लाइक करण जौहर, लाइक रोहित शेट्टी, इनका गाना मैंने अभी लाइन से गा दिया, जैसे वरुण धवन। तो ये जो गाने जो है, ये गाने अभी सब मेलोडी वापस आ रहे हैं, डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जहाँ मेलोडी वापस आएगा वहाँ पे ये लोग, हम लोग, बाकी लोग सब नजर आएंगे, डोंट वरी, हम लोग कहीं नहीं गया है, इंटैक्ट है। सो फिर भी यू नो कितने सिंगर्स हैं जो अभी भी डिसअपॉइंटेड है कि कहीं ना कहीं यू नो अभी के म्यूजिक को लेकर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो एकदम कोई नेगेटिविटी इसमें है ही नहीं। आज के म्यूजिक में देखिए, गुड भी होता है, बैड भी होता है। उस जमाने में भी जब होता था तो कुछ खराब म्यूजिक भी होता था, अच्छा म्यूजिक भी होता था। तो उस समय क्या म्यूजिक, बेटर म्यूजिक का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, खराब म्यूजिक थोड़ा कम था। अब थोड़ा खराब म्यूजिक ज़्यादा है, बेटर म्यूजिक थोड़ा कम है, यही सब फर्क है और कुछ नहीं है। बाकी हाँ, मुझे एक और चीज़ लगती है, आजकल के ज़माने में राइटिंग भी थोड़ी उर्दू के साथ वो लोग आए थे, एंड उसमें हर गाने में एक स्टोरी होता था, हर गाने में एक प्यार मोहब्बत की अलग ही कुछ दिशा देते थे गाने लिरिक्स के जरिए, एंड उसके ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर काम करते थे। तो आज थोड़ा लिरिकली डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम नाउअडेज, लिरिकली तो बस ठीक है, बाकी तो चल रहा है, ऐसा तो होता ही है हमेशा। अच्छा सानू दा, टेल अस समथिंग ऑन योर एसोसिएशन विद ललित जी, एंड कैसा था? देखो, जतिन ललित के साथ आज का हमारा आज का एसोसिएशन नहीं है, ये हम आपको बताते हैं। कौन सा पहला मूवी था हम लोग? राजू बन गया एजेंटी, 1991 90 से राजू बन गया जेंटलमैन वाज आवर फर्स्ट फिल्म हिट, लवेरिया हुआ एंड और भी गाने उसमें। दादा के साथ तो जितनी पिक्चर है, जितने सारे मैक्सिमम, मतलब हिट ही हिट है, इतना मैक्सिमम हिट गाना, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है किसी का जो। तो ये दोनों के साथ हमारा एसोसिएशन शुरू से ही है, और चाहे वो जतिन हो चाहे वो ललित हो, ये लोग हमारे बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, एंड बहुत ही हम लोग मजा करते हैं आपस में। एंड म्यूजिक जब होते थे तो हम लोग को याद है कि हम लोग झगड़ते भी थे बहुत जबरदस्त, और प्यार भी बहुत जबरदस्त होता था, मगर जो झगड़ा होता था वो म्यूजिक के ऊपर हेल्दी है। ये कुछ बोलते कि नहीं मैं इसको ऐसा करूंगा, तो हम बोलते नहीं इसको थोड़ा ऐसा कीजिए, तो वो बस वही हेल्दी है, हेल्दी 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 था वो झगड़ा। क्या ऐसा झगड़ा नहीं, हां कि तू कौन है मैं कौन हूं, वो हेल्दी झगड़ा था, क्रिएटिव में होता है, क्रिएटिविटी। देखिए, मैं एक कुमार शानू के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं, म्यूजिक जो होता है और जो सिंगिंग होती है ना, सिंगिंग स्पेशली एक ऐसी चीज है जो कि यहां लगनी चाहिए, इनकी आवाज में ही वो बात है, जो इमोशन जो ये लेके आते हैं वर्ड्स में और सॉन्ग में, वही बहुत ज्यादा खासियत है। एक गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही लेवल में पूरा गा दें, उसके डायनामिक्स होने चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी होती है, वो इनमें भर के भरी भरी है।
और इतनी भरी पड़ी है कि जब गाना गवाते हैं तो ये जो खुद ऐड करते हैं उसमें, दैट प्लेज अ मेजर 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 पार्ट. लगा सुना सुना गाना दे. खामोशिया दिल लबों पे है, ठीक है बिल्कुल. दिल में है बातें कई, हाँ देखे दिल में है बातें कई. ओ खामोशिया लबों पे है, दिल में है बातें कई, दिल में है बातें कई. देखिए कितना खूबसूरत इनका रेंडिशन है. और ये गाना भी ऐसा लगता है इन्हीं के लिए बना. अभी उदित को मैं कहां से गवा दूं बताइए. जिसकी जो गाना होता है उसको ये नसीब, ये नसीब की बात है. आपको जो है आपका नहीं यहाँ पे लिखा हुआ ना, कोई नहीं छीन सकता. हाँ. तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरें. और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की ऐसे ही मसालेदार खबरों से अपडेट.